मैडम थोड़ा सा फूल सले करो, मैडम थोड़ा सा पूरा ही रखेंगे। हम तो आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ। बुखारी साहब, प्रेसिडेंट जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, विजय बकाया साहब जनरल सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी रहे हैं, इतना सम्मान हम सब लोगों के लिए है। मनजीत सिंह जी जो प्रोविंशियल सदर हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक रहे हैं। हमारे अजगर अली साहब जो फॉर्मर एमएलसी रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट हैं प्रोविंस के जम्मू कश्मीर के, चलोत्रा साहब, बोधराज जी, फकीरनाथ जी एक्सएमएलए, काजमी साहब और सारे हमारे साथी। सर आज ये इंटरेक्शन एक ब्रीफ सा आपके साथ इसलिए रखना जरूरी हुआ क्योंकि ये सभी साथी जो है एक परिवार का हिस्सा है मेरे, और ये सारी जो हमारी मातृशक्ति है, जो हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, इन सब लोगों ने मिलके ही जो राजनीतिक स्थान मुझे यहाँ जम्मू कश्मीर में मिला है, इन्हीं सब लोगों की बदौलत है। और ये सब लोग 2012 से लगभग जब से मैं दिल्ली से लौट के ऑल इंडिया कांग्रेस से जम्मू कश्मीर आया, तब से ये एक एक चिंता चिंता करके ये लोग सब जुड़े। और आप भी शहर से राजनीति करते हैं, आप भी जानते हैं शहर और गांव की राजनीति में बहुत अंतर है, ठीक है। और ये लोग आरएसएस की जो गढ़ माने जाने वाली कॉन्स्टिट्यूंसी जम्मू उससे निकल के आज आपके सामने आए हैं, और ये लोगों ने पूरी मेहनत हमेशा से करी। और जब हमने कांग्रेस छोड़ के आपके साथ आपके नेतृत्व में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का हिस्सा बनने की सोचा, तो हमने इन सब लोगों से चर्चा की और बात कही और कहा कि हम ऐसा सोच रहे हैं, और इन्हीं सब लोगों के आशीर्वाद से हम आगे आपके साथ आए यहाँ। और अब बहुत सारे ये साथी हमारे जैसे थे, कह रहे थे बुखारी साहब को हमने खाली टीवी पे देखा है, अखबारों में पढ़ा है, और आपकी बात ये सुनते हैं टीवी पे भी, उससे भी ये मुतासर होते हैं। और इन बहुत सारे हमारे साथी, इनका ये था कि कहना कि हम रूबरू एक दफ़ा मिलना चाहते हैं, और ये सब साथी आपस में जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के 11 जो तमाम वार्ड हैं वहाँ से आए हैं, और सीधा सीधा साथी आज क्योंकि जगह का भी कंस्ट्रेंट था, तो हमने ये सोचा कि हम इनको एक दफ़ा एक फॉर्मल आपके साथ इंटरेक्शन हो जाए या आपके साथ मिले, क्योंकि ये अब आपके परिवार का हिस्सा है और इनका दुख सुख जो है वो आपका दुख सुख है, और हम ये इनकी छोटी छोटी बहुत ख्वाहिशें हैं, और ये सादा लोग हैं, राजनीतिक लोग नहीं है, ये सिर्फ दिल से जुड़े हैं, और दिल से जुड़ के आगे भी जो इनका रहा। अब मैं आपको एक ब्रीफ सा वो बताऊं कि जब लास्ट असेंबली कॉर्पोरेशन का इलेक्शन हुआ जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी में 11 वार्ड थे, और उसमें से हमने 2 वार्ड जो थे वो जीते, और जो 4 वार्ड थे बीजेपी की लहर के बावजूद, जैसे सुनीता साहनी जी का वार्ड जो केवल 24 वोटों से हम हार गए, इसी तरह से यहाँ थोड़ा सा ना, ये बलबीर जी की ये वाइफ है, बलबीर जी हमारे साथी थे, वो उनका स्वर्गवास हुआ, ये इन्होंने 1100 वोट लिया डिप्टी मेयर से, इनसे खाली जो है वो 50 वोटों से जीत पाए। इसी तरह से हमारे बाकी साथी कुछ अभी आप पहुंच नहीं पाए हैं, पर ये तमाम साथी जो है ये जमीन से जुड़े हुए साथी हैं, ये कोहली साहब हैं, एडवोकेट हैं, ये मीनाक्षी जी हमारी ब्लॉक प्रेसिडेंट रही, ये राजकुमारी जी, ये सब साथी जो है परिवार का हिस्सा है। अजगर साहब, चलोत्रा साहब और बोधराज जी और बाकी सभी मेरे साथी और आप सब जो हमारी जम्मू ईस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के हमारे मुअज्जज़ परिवार के हिस्सा हैं, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज यहां इस अपने दफ्तर में। जिस वक्त हमने पार्टी का गठन किया, ये नहीं है कि मैंने पार्टी का गठन किया, हम सब ने गठन किया, हम 35 लोग उस दिन जमा हुए, और इसमें आपका चाहता लीडर भी फाउंडर्स में से एक विक्रम जी, उस वक्त जिस समय ये बनने की एक मुहिम चल रही थी कि क्या करें कैसे करें, लोग मुसीबत में आ गए हैं, 5 अगस्त 2019 के बाद सियासत थम सी गई थी, लेकिन लोगों के मुश्किलात तो नहीं थमे थे, लोगों के मसले मसाइल थे,
हमारी पहचान खत्म हो चुकी है। तो हम सब ने एक मशवरा करके ये कहा कि एक ऐसी पार्टी की जरूरत है जो जम्मू और श्रीनगर को एक दूसरे के नज़दीक लाए। कोई विवादित मसले नहीं थे, जम्मू में एक बात कहे और श्रीनगर में जाके दूसरी बात कहे। इन्हीं उसूलों को मद्देनजर रख के हमने इस अपनी पार्टी का गठन किया और जिसमें मुझे खुशी है कि आप सब लोग भी जुड़े हैं। 5 अगस्त 2019 के बाद इस रियासत की सियासत खत्म हो गई, रियासत भी खत्म हो गई और सियासत भी खत्म हो गई। हमारे दोनों खितों के ख्वाहिशात एक जैसी हैं, दोनों खिते चाहते हैं कि रियासत का दर्जा वापस मिले, दोनों खिते चाहते हैं कि ज़मीनों का तहफ़ हो, नौकरियों का बच्चों के लिए तहफ़ हो और डेवलपमेंट ऑफ कोर्स। बदकिस्मती से पिछले 2.5 साल में हमने कुछ नहीं देखा। जब से यहाँ गवर्नर का रूल है हम तो बिल्कुल हाथ पे हाथ ये बैठे हुए हैं। वो लोग भी अखबारों में बहुत कुछ लिखा जाता है, टेलीविज़न पे भी बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिकली कहीं कुछ नज़र नहीं आता है। जैसे विक्रम जी अभी कह रहे थे कि आप भी श्रीनगर को रिप्रेजेंट अर्बन एरिया को करते हैं, अर्बन एरियाज की प्रॉब्लम बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं जो रूरल एरियाज हैं। अर्बन एरिया में